विश्व हिंदू परिषद की जालंधर इकाई ने विश्व हिंदू परिषद की नंगल इकाई के अध्यक्ष विकास प्रभाकर की हत्या के विरोध में आक्रोश और धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर वीएचपी नेताओं ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन पूरे पंजाब में किया जा रहा है। वीएचपी की जालंधर इकाई ने श्री राम चौक जालंधर से डिप्टी कमिश्नर कार्यालय तक एक रोष रैली का आयोजन किया और बताया कि विकास प्रभाकर 13 अप्रैल 2024 को रेलवे रोड नंगल में अपनी दुकान पर बैठे थे। वहीं पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी नृशंस हत्या कर दी, तो वहीं वीएचपी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर जालंधर को मांग पत्र दिया गया और मांग की कि विकास प्रभाकर की पत्नी को 1 करोड़ का मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार हिंदू नेताओं को सुरक्षा देने में विफल रही। इस मौके पर वीएचपी के नेता संत महंत केशवदास जी महाराज, महंत बंसीदास जी महाराज, इंद्रदेव शर्मा, वकील सुतीशन समरोल, योगेश धीर, वरुण कुमार सिंह, प्रमोद गुप्ता, राजवीर ठाकुर, इंद्रजीत झा, अभिमन्यु घई, विशाल भारद्वाज, विजय गुलाटी, महेश गुप्ता, अश्विनी दीपक भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर की उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में कुंवर विजय प्रताप की ओर से लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के पक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के वर्कर और नेता इस मीटिंग में पहुंचे। इस दौरान कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि सबसे अधिक पंजाब में अगर किसी क्षेत्र में से वोट पड़ेगी तो वह उत्तरी क्षेत्र से कुलदीप सिंह धालीवाल को पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो चैलेंज दिया है कि आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार को जिताकर भेजना है, उसके लिए वे पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं इस अवसर पर कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी जो कि रैली का रूप धारण कर गई। उन्होंने कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमृतसर में उत्तरी क्षेत्र से सबसे अधिक वोटें आम आदमी पार्टी ही लेकर जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। रैली का रूप धारण अमृतसर आम आदमी पार्टी सब तो वड्डी लीड तो जितूगी और उत्तरी हलका सब तो ज़्यादा लीड जी है वह दवाऊगा। यह मीटिंग का मंतव्य है। यदा अर्थ यह है कि आम आदमी पार्टी अमृतसर जित गई। अमृतसर एक एक व्यक्ति के घर जाके हाथ जोड़ के बेनती करांगे क्योंकि असं धालीवाल साहब न जिता है। जो चैलेंज पार्टी ने सानू दिता है धालीवाल साहब नू कैंडीडेट बना के उस दे उते खरे उतरना है और आम आदमी पार्टी दे कैंडीडेट धालीवाल साहब नू जिताऊंगा। रमन शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी एवं स्त्री सत्संग सभा की ओर से 23वीं विशाल चौकी एक शाम मां राधिका के नाम ब्रह्म कुंड दशहरा ग्राउंड किशनपुरा जालंधर में करवाई गई, जिसमें साध्वी पूनम दीदी बरसाने वालों और प्रसिद्ध भजन गायक वरुण मदान ने अपने मधुर भजनों से उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व CPS KD भंडारी, आप नेता दिनेश ढल, पूर्व पार्षद सुनीता रिंकू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर कमेटी के महंत अशोक शर्मा व सभी सदस्यों की ओर से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ज्योति चड्डा, पीयूष चड्डा, कृष्णा चड्डा, पंडित बबलू, श्रीकंठ जज, पवन सूरी, अमरजीत सिंह अमरी, संजीव कुकन, राकेश अरोड़ा, नरेश दविंदर, जवाहर शर्मा, कैलाश शर्मा, राजेश कुंद्रा, संजय ललित, सीमा गल्होत्रा, मोनू शर्मा, विकी अरोड़ा, अमित शर्मा, अमित खुराना, मंजू, संतोष, ऋषि, दीपक अरोड़ा, अशोक शर्मा, प्रवीण मल्होत्रा, अमित शर्मा, संजय शर्मा, विकास, रिंकू गोयल, सोनू दुग्गल, विकी दुग्गल, लव गुलाटी, लकी शर्मा, सनी, विनी, मंजू सहगल, कोमल अरोड़ा, मधु, ज्योति साहनी, कांता, वीना, उषा, रितु रानी, कोनिका, काव्या अरोड़ा, पूजा शर्मा, सुनीता सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। किनू खुशी आई थी चौकी में सब जबरदस्ती आए हो घर किसी को खुशी नहीं किनू खुशी है उन्हें पता लग जाएगा। कृपा हुई वरदानी
नवरात्रों के उपलक्ष्य में हर शाम नौ देवियों के नाम नवरात्रि महोत्सव 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रात्रि 8 से 10:30 बजे तक श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि महोत्सव के छठवें दिन की शुरुआत में करवाई गई भजन संध्या के दौरान गायक कुमार हरीश पाटी ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद कुमार हरीश पाटी ने अपनी मधुर भेंटों को गाकर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर पंजाब वेयर हाउस एंड कंटेनर बोर्ड की चेयरपर्सन राजविंदर कौर थियाड़ा, जालंधर छावनी क्षेत्र से आप इंचार्ज सुरेंद्र सिंह सोडी, दीपक शारदा, अमरजीत सिंह अबरी, रमन जैन, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, चंदन सहदेव, पारुल अरोड़ा, मनोज अग्रवाल, सुभाष भगत, मिंटू जुनेजा, सुरेंद्र पप्पी को विशेष रूप से मंदिर कमेटी सदस्यों की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि हर शाम नौ देवियों के नाम नवरात्रि महोत्सव में पंजाब भर से आई प्रसिद्ध भजन मंडलियां माँ भगवती की महिमा का गुणगान करेंगी। इस मौके पर महेंद्र प्रताप, अनुराग अग्रवाल, विजय गुप्ता, नरगिस बत्रा, अनुराग बत्रा, हिमांशु बैंबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। Thank you.
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के बस्ती शेख के मोहल्ला चाय आम में एक युवक की तेजधार हथियारों से हुई हत्या, पुरानी रंजिश के चलते हुआ ये हमला। अमृतसर की केंद्रीय जेल में चार हवालातियों की हुई मौत, मृतकों के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के लगाए आरोप। फिरोजपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 7 किलो हेरोइन, 30 लाख की ड्रग मनी, 3 पिस्तौल, 1 राइफल, 5 दरोंद और कार की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।